हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर वीडियो में जो थ्योरम हम सीखने जा रहे हैं वो हमारी इस प्रकार से है। द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिज ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ इज अगेन सब स्पेस ऑफ वी ऑफ एफ इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेंड इन द अदर। इसका मीन्स क्या निकलता है ये समझो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफली समझा रहा हूँ। पहले सपोज डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू ये दोनों ही वेक्टर सबस्पेस है, ओके? ये कहता है कि अगर हम इनका यूनियन करें तो भी ये वेक्टर सबस्पेस होगे, लेकिन ये तभी वेक्टर सबस्पेस होगे, उसके लिए शर्त है जब डब्ल्यू वन सबसेट इक्वल टू डब्ल्यू टू हो या डब्ल्यू टू सबसेट इक्वल टू डब्ल्यू वन हो, इनमें से दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा कुछ हमें ये थ्योरम कहती है, ओके? बाकी तो मैं सब आपको प्रूफिंग में समझाऊंगा ही। अब देखो प्रूफिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है गिवेन। गिवेन क्या है? टू सब स्पेसिज। तो गिवेन लेट डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू आर टू सब स्पेसिज ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ओ एफ, ओके? अब हमें सो क्या करना है ये लेते हैं। टू सो दैट हमें क्या कहा है, यूनियन, दोनों का यूनियन अगेन सब स्पेस बने, इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेंड इन अनदर। तो मैं ये लैंग्वेज ना लिखकर ऐसे ही कुछ फॉर्म लिखूंगा, राइट? टू सो दैट डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू इज अ सब स्पेस ऑफ वी ऑफ एफ इफ एंड ओनली इफ डब्ल्यू वन सबसेट इक्वल टू डब्ल्यू टू और डब्ल्यू टू सबसेट इक्वल टू डब्ल्यू वन, ओके? अब यहां पर हमें देखो ये इफ एंड ओनली इफ का मीन्स मैंने आपको समझा हुआ है कि बोथ साइड प्रूफिंग करना। बोथ साइड प्रूफिंग करने का मतलब हुआ एक बार डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू इज ए सब स्पेस ये लेकर चलेंगे और ये केस प्रूफ करेंगे, दूसरे केस में ये लेकर चलेंगे और डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू इज ए सब स्पेस ये प्रूफ करेंगे। तो केस फर्स्ट हम बनाते हैं, लेट डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू इज अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ वी ऑफ एफ, ओके? ये तो हमें गिवन हुआ। इस केस में दिखाना क्या है, टू सो दैट ये वाला पार्ट डब्ल्यू वन सबसेट इक्वल टू डब्ल्यू टू और डब्ल्यू टू सबसेट इक्वल टू डब्ल्यू वन। अब देखो ये हमें शो करना है। अब इसको शो करने के लिए हमको जैसे प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने किया कि जो गिवेन होता है, जैसे ये हमें डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू इज ए वैक्टर सब स्पेस गिवेन है और ये प्रूफ करना है, तो मीन्स ये हुआ कि ये गिवेन लेकर चले और ये प्रूफ करे। लेकिन कभी कभी कुछ थ्योरम में हम जो गिवेन होता है उसको लेकर चले और ये प्रूफ करे, ऐसा कर नहीं पाते, क्लियर? तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें कुछ ही ऐसी थ्योरम होती है गिवेन पॉइंट का यूज करते हैं, लेकिन जो हमें प्रूफ करना होता है, जैसे हमें ये प्रूफ करना है, इस प्रूफिंग का कंट्रेडिक्ट लेकर चलते हैं, अर्थात इसका उल्टा लेकर चलते हैं। और इसका उल्टा लेकर जब हम चलते हैं तो फिर हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं आगे कुछ सोल्व करने के लिए। जब हम कुछ सोल्व करते हैं तो उसमें कहीं जाकर एक ऐसा पॉइंट क्रिएट होता है जो हमारे द्वारा लिए गए एजेप्शन को रोंग सिद्ध कर देता है। तब हम कहते हैं कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने सपोज किया वो गलत है और जो इसमें प्रूफ करना है वही करेक्ट है। कैसे, इसको हम कंटिन्यू करते हैं और समझाता मैं जाऊंगा। दिस पार्ट इज प्रूव्ड बाय कंट्रेडिक्शन थ्योरी। अब ये कंट्रेडिक्शन थ्योरी क्या है, मींस हम इसका रिवर्स लेकर चलेंगे, इसका उल्टा लेकर चलेंगे। क्या ऐसा कब सपोज करेंगे कि इफ पॉसिबल डब्ल्यू वन नॉट सबसेट इक्वल टू डब्ल्यू टू एंड डब्ल्यू टू नॉट सबसेट इक्वल टू डब्ल्यू वन, राइट? अब अगर ये है तो हम ऐसे कुछ एलिमेंट कंसिडर करेंगे जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे। कैसे, लेट अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू वन एंड
अल्फा नॉट बिलोंग टू डब्लू टू, बीटा बिलोंग टू डब्लू टू एंड बीटा नॉट बिलोंग टू डब्लू वन। क्लियर, ये हमने सपोज कर लिया जो कि हमारी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ। अब इंप्लाइज करते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। इंप्लाइज अल्फा बिलोंग टू डब्लू वन यूनियन डब्लू टू एंड बीटा बिलोंग टू डब्लू वन यूनियन डब्लू टू, लिख सकते हो ऐसा भाई, अल्फा डब्लू वन में बिलोंग करता है तो यूनियन में तो बिलोंग कर ही गई, बीटा डब्लू टू में बिलोंग कर रहा है तो इनके दोनों के यूनियन में भी बिलोंग कर जाएगा। अब इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू डब्लू वन यूनियन डब्लू टू, ये लिख सकता हूं। क्यों लिखा, रीजन क्या है, क्योंकि हमने डब्लू वन यूनियन डब्लू टू को क्या माना है, वेक्टर सब स्पेस माना है। ओके, अब यहां से जो पॉइंट हमें अप्लाई करने हैं उसको समझना है। देखिए यहां पर मैं आपको पहले समझाता हूं, पॉइंट को समझने का प्रयास करना। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि ए बिलोंग टू पी यूनियन क्यू, तो इससे तीन केस बनते हैं। क्या ए बिलोंग टू पी एंड ए नॉट बिलोंग टू क्यू, दूसरा केस ए नॉट बिलोंग टू पी एंड ए बिलोंग टू क्यू, तीसरा केस ए बिलोंग टू पी एंड ए बिलोंग टू क्यू। ये थ्री केसेस हो सकते हैं अगर हम कहते हैं ए बिलोंग टू पी यूनियन क्यू। ओके, इसी प्रकार से इस पोजीशन में हम इंप्लाइज कर सकते हैं थ्री केसेस। ओके, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू डब्लू वन एंड अल्फा प्लस बीटा नॉट बिलोंग टू डब्लू टू, और ये हो सकता है अल्फा प्लस बीटा नॉट बिलोंग टू डब्लू वन एंड अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू डब्लू टू, और ये हो सकता है अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू डब्लू वन एंड अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू डब्लू टू। इन थ्री केसेस में एक केसेस 100% ट्रू होगा, राइट। अब हम इस केस के लिए प्रूफ करेंगे। ओके, इन केस के लिए हम क्या लिख देंगे, सिमिलरली अदर केसेस। अब समझ में आना, इफ अगर हम ये मान ले अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू डब्लू वन एंड अल्फा प्लस बीटा नॉट बिलोंग टू डब्लू टू, हमने ये पहले वाला पार्ट ट्रू मान लिया। क्लियर, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। ओके, यहां से मैं इंप्लाइज करता हूं अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू डब्लू वन एंड अल्फा बिलोंग टू डब्लू वन, ये है कि नहीं, क्योंकि देखो हमने यहां पर कंसीडर किया हुआ है अल्फा बिलोंग टू डब्लू वन, ये हमारा क्या है, ये क्या है, हमारा एजम्पशन है, इनको हम एजम्पशन बोलते हैं। क्लियर, तो यहां पर इंप्लाइज मैं ये कह सकता हूं अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बिलोंग टू डब्लू वन, क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है डब्लू वन इज वेक्टर सब स्पेस, और वेक्टर सब स्पेस हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कौन सी को, मैं आपको ये समझा देता हूं। इस प्रॉपर्टी के तहत आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर आर नॉन एम्प्टी सबसेट डब्लू ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ टू बी अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी ऑफ एफ इज दैट अल्फा बीटा बिलोंग टू डब्लू इंप्लाइज अल्फा माइनस बीटा बिलोंग टू डब्लू। ओके, तो यहां पर ये हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो ये हमारा हो गया। अब यहां से इंप्लाइज क्या हुआ,
यहां से इंप्लाई जो है बीटा बिलोंग टू डब्लू वन, क्योंकि अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बीटा बिलोंग टू डब्लू वन। अब देखिए हमने कहीं पर रॉन्ग तो नहीं किया ना, रूल को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, लेकिन हमने एजम्पशन में बीटा ये कहा था कि बीटा डब्लू वन के अंदर नहीं है, डब्लू टू के अंदर है, लेकिन यहां पर हमने बिल्कुल सही कैलकुलेशन किया लेकिन बीटा किस में अंदर आया डब्लू वन के अंदर आ, राइट, कैलकुलेशन सही है लेकिन फिर भी बीटा डब्लू वन के अंदर आ, तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण ये हो सकता है कि हमने जो एजम्पशन लिया, ये जो हमने एजम्पशन माना है ये हमारा रोंग है। अगर हमारा ये एजम्पशन रोंग है तो फिर तो भाई हमारा ये जो हमें प्रूफ करना था वो ही करेक्ट है। इस पॉइंट को इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं, तो यहां पर हम यही पॉइंट लिखा करते हैं, यहां पर हम यही पॉइंट लिखेंगे कि इट इज रोंग सिंस एल्फा और बीटा नॉट बिलोंग टू डब्लू वन बाई एजम्पशन। ओके, तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, हेंस आवर एजम्पशन इज रोंग। ओके, तो यहां पर हमें इस बातों को समझना चाहिए, क्लियर। अब देखो हमने इन थ्री केसेस में से एक केसेस को लेकर प्रूव कर दे कि आवर एजम्पशन इज रोंग, तो हम इसके थ्रू क्या कहेंगे कि हेंस कंसिक्वेंटली डब्लू वन सबसेट इक्वल टू डब्लू टू और डब्लू टू सबसेट इक्वल टू डब्लू। अब हमारे केस बच्चे जो यहां पर हमने थ्री पॉइंट बनाए थे ना, इन थ्री पॉइंट में से हमने पहले पॉइंट के थ्रू इसके थ्रू हमने सोल्व किया। ओके, तो इसी प्रकार से हम क्या कहेंगे, इनको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी कैन सो दैट आवर एजम्पशन इज रोंग, कंसिक्वेंटली डब्लू वन सबसेट इक्वल टू डब्लू टू और डब्लू टू सबसेट इक्वल टू डब्लू वन। आप ऐसा करो, ये यहां पर ना लिखा, सिमिलरली ये लिखो और फिर लास्ट में लिख दो, क्लियर। ये हमारा पहला पार्ट प्रूफिंग हो गया। ओके, अब हम केस सेकंड में क्या दिखाएंगे, केस सेकंड, इफ डब्लू वन सबसेट इक्वल टू डब्लू टू और डब्लू टू सबसेट इक्वल टू डब्लू वन, टू सो दैट डब्लू वन यूनियन डब्लू टू इज वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी ओ पे। ओके, ये शो करना है। अब यहां पर देखो हम सीधा कार्य कर सकते हैं, इसको लेकर चले और इसको प्रूफ कर दे, फिर इसको लेकर चले इसको प्रूफ कर दे, क्योंकि और में है ना, तो दोनों केसेस से हम शो करेंगे। ओके, नाउ बाय गिवन इफ डब्लू वन सबसेट इक्वल टू डब्लू टू इंप्लाइज डब्लू वन यूनियन डब्लू टू इज इक्वल टू डब्लू टू लिखा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि डब्लू देखो ऐसा समझो, सपोज करो डब्लू वन में वन टू एलिमेंट है, डब्लू टू में वन टू थ्री एलिमेंट है, तो डब्लू वन यूनियन डब्लू टू में वन टू थ्री हो गए ना, जो कि डब्लू टू के बराबर है, राइट, समझ रहे ना। तो इस तरीके से हमने ये लिखा। अब W2 वेक्टर सब स्पेस हमें गिवन है, ओके, क्वेश्चन में गिवन है कि बोथ, देखो ये यहां पर देख लीजिए, W1 W2 आर टू सब स्पेसिस ऑफ VO पे, तो ये हमें गिवन है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, जब W2 वेक्टर सब स्पेस है और W2 के बराबर W1 यूनियन W2 है, तो हम यहां से क्या मिला कर सकते हैं, W1 यूनियन W2 इज वेक्टर सब स्पेस, क्यों, रीजन क्या है, सिंस W2 इज वेक्टर सब स्पेस, ये मैंने लिख दिया। ओके, फिर हम, अब देखो हमने इस पार्ट को लिया
और हमने प्रूव कर दिया डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू इज ए वेक्टर सब स्पेस। अब हम इस पार्ट को लेंगे। ओके, बाय गिवेन इफ डब्ल्यू टू सबसेट इक्वल टू डब्ल्यू वन इंप्लाइज डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन। ओके, अब W1 भी हमें वेक्टर सब स्पेस गिवन है और W1 के बराबर ये है, तो फिर हम W1 यूनियन W2 को भी वेक्टर सब स्पेस कह सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि W1 इज वेक्टर सब स्पेस। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। हैंस इफ W1 सबसेट इक्वल टू W2 और W2 सबसेट इक्वल टू W1 इंप्लाइज W1 यूनियन W2 इज वेक्टर सब स्पेस। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ? तो फिर हम क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड। अगर आपको ये थ्योरम समझ में आई है तो आप इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं देना होता और इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि हम सही डायरेक्शन में हैं। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम उन कमियों को सुधार कर सके। साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसका पूरा पूरा लाभ ले सके। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नई लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।